हाय दोस्तों, बॉलीवुड न्यूज में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, मैं फिर आपके लिए बॉलीवुड की कुछ लेटेस्ट न्यूज लेके आया हूँ जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगा। तो दोस्तों, आज मैं आपके लिए टॉप 5 एंटरटेनमेंट न्यूज लेके आया हूँ। तो दोस्तों, बॉलीवुड की दुनिया में इस हफ्ते कई बड़ी घटनाएं हुई हैं जिन्होंने लोगों का ध्यान अपनी तरफ आकर्षित किया है। जहाँ एक तरफ सुशांत सिंह राजपूत मामले में कई खुलासे हुए हैं, तो कहीं पायल घोष मामले में अनुराग कश्यप की मुसीबतें और भी ज्यादा बढ़ गई हैं। तो दोस्तों, अपनी इस रिपोर्ट में हम आपको बॉलीवुड की 5 बड़ी खबरों के बारे में बताने जा रहे हैं। तो दोस्तों, पहली जो न्यूज है वो है बॉलीवुड ड्रग मामले में इस हफ्ते शाहरुख खान, अर्जुन रामपाल और रणबीर कपूर का नाम भी सामने आया है। तो दोस्तों, दैनिक भास्कर की एक रिपोर्ट में दावा किया गया था कि बॉलीवुड ड्रग मामले में एनसीबी शाहरुख खान, अर्जुन रामपाल, डीनू मौर्या और रणवीर कपूर का भी नाम इसमें शामिल हो गया है। तो दोस्तों, ड्रग्स मामले में शाहरुख खान का नाम उछलने से बॉलीवुड में हंगामा मच गया था। वह बात अलग है कि बाद में खूब एनसीबी ने इस खबरों को खारिज कर दिया था। इतना ही नहीं, दावा तो ये भी किया जाने लगा था कि शाहरुख खान अफवाह फैलाने वालों के खिलाफ लीगल एक्शन लेने की तैयारी कर रहे हैं। तो दोस्तों, दूसरी टॉप न्यूज थी, बीते दिनों पायल घोष यौन उत्पीड़न मामले में पुलिस ने अनुराग कश्यप से 8 घंटे तक कड़ी पूछताछ की थी और अपने बयान में अनुराग कश्यप ने खुद पर लगे सभी आरोपों को खारिज कर दिया था। तो दोस्तों, मुंबई पुलिस ने अनुराग कश्यप से पायल घोष से हुई मुलाकात और बातचीत के बारे में सवाल पूछे। गौरतलब है कि कुछ समय पहले ही पायल घोष ने अनुराग कश्यप पर यौन उत्पीड़न का मांग के आरोप लगाए थे। तो दोस्तों, तीसरी टॉप न्यूज जो सबसे चर्चित रही है वो है सुशांत सिंह राजपूत को न्याय दिलाने के लिए भूख हड़ताल पर उनके दोस्त बैठ गए हैं। तो दोस्तों, सुशांत सिंह राजपूत केस में सीबीआई की जाँच से लोग खुश नहीं है। लोगों का मानना है कि सुशांत सिंह राजपूत मामले को ड्रग्स एंगल्स ने भटका दिया है। इसी बीच खबर आ रही है कि सुशांत सिंह राजपूत के दो दोस्त गणेश हिवरकर और अंकित आचार्य जंतर मंतर पर भूख हड़ताल पर बैठ गए हैं। तो दोस्तों, हालांकि दिल्ली पुलिस इन दोनों को भूख हड़ताल करने की इजाजत नहीं दे रही है। चौथी जो टॉप न्यूज रही चर्चा में वह थी सोना खान ने दिया ट्रोलर्स को करारा जवाब। तो दोस्तों, कुछ समय पहले ही शाहरुख खान की बेटी सुहाना खान ने अपनी तस्वीर शेयर की थी, जिसके बाद लोग सांवले रंग को लेकर सुहाना खान का मजाक बनाने लगे थे। तो दोस्तों, ऐसे में सुहाना खान ने बिना देर किए ट्रोल्स को जवाब दे डाला। तो दोस्तों, और पांचवी टॉप जो न्यूज रही वह रही थी करण जौहर की ड्रग पार्टी वाले वीडियो की। तो दोस्तों, इसकी जाँच कह रहे हैं कि सीबीआई वाले दोबारा करेंगे। ड्रग पार्टी मामले में करण जौहर पूरी तरह से फंसते नजर आ रहे हैं। कुछ समय पहले ही अकाली दल के नेता मनजिंदर सिरसा ने एनसीबी से करण जौहर के इस पुराने वीडियो की शिकायत की थी, जिसके बाद से माना जा रहा है कि जल्द ही एनसीबी करण जौहर से पूछताछ करने वाली है। तो दोस्तों, यही टॉप 5 एंटरटेनमेंट न्यूज थी जो इस हफ्ता काफी चर्चा में रही। तो दोस्तों, मेरा यह वीडियो आपको कैसा लगा, आप प्लीज़ इसको लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना। तो दोस्तों, बेल आइकन में बेल भी बजाना। मैं फिर आपके लिए आगे ऐसे ही बॉलीवुड की लेटेस्ट न्यूज़ लेके आऊँगा। तो फिर मिलते हैं, बाय।